दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा रिमूव ऐप को वापस कैसे लेके आएं। जी हाँ दोस्तों, आपसे धोखे में स्क्रीन पे जो ऐप होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, उन्हें आप वापस कैसे लेके आ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये देख सकते हैं स्नैपचैट एप्लीकेशन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ड्यू को भी यहाँ रिमूव कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे भी कर दी, ठीक है। यहाँ पर आप दो तीन एप्लीकेशन में यहाँ डेमो के लिए रिमूव कर दिए हैं, उन्हें हम वापस लेके आऊँगा, ठीक है। तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना हो, कंप्लीट फॉलो करना होगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी सीख जाएंगे जो आपके ऐप रिमूव हो जाते हैं, होम स्क्रीन से जो आइकन रिमूव हो जाते हैं उन्हें आप कैसे लेके आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, रियलमी के स्मार्टफोन में बता रहा हूँ मैं सबसे पहले, तो यहाँ पे आप जाएंगे मॉल की सेटिंग के अंदर। मॉल की सेटिंग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन ऐप मैनेजमेंट का, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऐप लिस्ट, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखे टू डॉट्स, इस पर क्लिक करके यहाँ शो सिस्टम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डालना है सिस्टम लॉन्चर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से आ गया। इस पर आप क्लिक करेंगे, वैसे आप यहाँ से फोर्स स्टॉप कर दीजिए, स्टोरेज पर क्लिक करके क्लियर डाटा इसका कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, परमिशन पे क्लिक करेंगे, सभी परमिशन दे दीजिए, ठीक है, फ़ोन की भी दे दीजिए इस तरीके से, और यहाँ पे आप स्टोरेज की परमिशन भी दे दीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये आप परमिशन देंगे, उसके बाद यहाँ से आप बैक जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी देख सकते हैं अभी आया है कि नहीं आया है, ये आप देख सकते हैं, ये देखो सभी ऐप आ चुके हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये देखो वापस आ चुके हैं जितने भी आपने अपने फ़ोन से ऐप रिमूव किए थे वो सभी आ गए होंगे आपके, ठीक है, जैसे कि आप अभी देख सकते हैं। इसी तरीके से आप भी अपने रिमूव किए आइकन या ऐप को यहाँ से आपने हटा दिए थे वो इस तरीके से आपके आ गए होंगे इस तरीके से, ठीक है। बस यही थी वीडियो, इसी वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल मैं इस वीडियो में विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।